हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल जहां पर हम वीडियोस अपलोड कर रहे हैं फॉर एमएसक्यू सीरीज। अगर आप सीएसआईआर नेट गेट और आईडी जेम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो इसमें मैं आज परम्यूटेशन मैट्रिक्स बताने वाला हूँ कि इस पर बेस्ट जो हमारे पास मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन आते हैं, मतलब एक से ज्यादा ऑप्शन राइट है, तो कैसे हम यहाँ पे इसको करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इंटरलिंक जो कॉन्सेप्ट है वो हमें पता होना जरूरी है। और इसमें इससे पहले मैं काफी सारे एमएसक्यू पे रिलेटेड सीरीज में काफी सारे वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, तो आप यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, कमेंट पेन में मिल जाएगा, या फिर आप आई टेप में भी बाद में देख सकते हैं। इसमें बात करेंगे परम्यूटेशन मैट्रिक्स, तो अल्टीमेटली ये परम्यूटेशन से बना हुआ कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए हम यहाँ पे एक परम्यूटेशन लेते हैं, 1, 2, 3, मान लीजिए 2 पे जा रहा है, ये 3 पे जा रहा है और ये 1 पे जा रहा है, राइट। तो यार इससे हमारे पास यहाँ पे क्या मैट्रिक्स बनेगी, तो यार मैं बताना चाह रहा हूँ ये 1, 2 है, तो 1, 2 मतलब 1, 2 नंबर का एलिमेंट 1 होगा, बाकी 0 हो जाएगा। इसमें 2, 3 है, मतलब 2, 3 नंबर का एलिमेंट 1 होगा, बाकी सब 0 हो जाएंगे। इसमें यहाँ पे 3, 1 है, मतलब ये वाला एलिमेंट 1 होगा और ये 0 होगा। इसमें ये इसकी कॉरस्पॉन्डिंग परम्यूटेशन मैट्रिक्स होती है, राइट। ये ध्यान देने की जरूरत है और इस पर मैंने काफी अच्छा ज्ञान दे रखा है, क्योंकि मैं आज जो बताने वाला हूँ वो एमएसक्यू टाइप के जो कॉन्सेप्ट है वो बताने वाला हूँ। पर अगर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए कि सर परम्यूटेशन मैट्रिक्स होती क्या है ये पता नहीं है, तो यार आई टेप में जाके पूरी कहानी मिलेगी आपको, है ना। बहुत अच्छा, या आप YouTube पर जाकर सर्च कर लीजिए परम्यूटेशन मैट्रिक्स, सबसे टॉप में वीडियो दिखेगा, वो देख लो, समझ में आ जाएगा आपको, राइट, है ना। पर यहाँ पे थोड़ा सा मैं काम की चीजें बताने वाला हूँ जो कि हमारे पास मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन में बनता है, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो यार ये टाइप की जो कोई भी मैट्रिक्स है जिसकी हमारे पास जो एंट्री आ रही है वो 0, 1 आ रही, रो और कॉलम का जो सम है वो अगर 1 आ रहा है, तो ऐसी जो मैट्रिक्स होती है वो परम्यूटेशन मैट्रिक्स होती है। परम्यूटेशन मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, इसके आइगन वैल्यूज कैसे निकालते हैं, ये डायगोनलाइजेबल होती कि नहीं होती है, और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जिस पे बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं, तो यार वो मैं 1 by 1 आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पे नंबर ऑफ परम्यूटेशन मैट्रिक्स अगर हमारे पास n ऑर्डर की है तो वो n फैक्टोरियल बनेगी। जैसे हमारे पास यहाँ पे दे रखा है कि ये 3 ऑर्डर की है, तो 0 और 1 एंट्री के साथ हमारे पास टोटल जो मैट्रिसेस बनेगी वो 3 फैक्टोरियल मतलब 6 बनेगी यहाँ पे, है ना। तो ये ध्यान देने की जरूरत है, अगर हमारे पास यहाँ पे 4 है ना, 4x4 की मैट्रिक्स है, तो 4 फैक्टोरियल हमारे पास ऐसी मैट्रिक्स बन सकती है जिसमें 0 और 1 की एंट्री आ रही है, और ऐसी हमारे पास परम्यूटेशन मैट्रिक्स होती है, राइट। इच परम्यूटेशन मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन कॉरस्पॉन्डिंग टू द सिग्मा कॉरस्पॉन्डिंग टू सिग्मा इज एस एन, राइट। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जैसे ये हमारे पास परम्यूटेशन है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम मैट्रिक्स लिख सकते हैं, है ना, और इसके अगर मैट्रिक्स दे रहे तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे परम्यूटेशन को लिख सकते हैं, कटिंग माई पॉइंट। हमेशा बात करी जाए डिटरमिनेंट की, तो इस टाइप की जो मैट्रिक्स होती है उसका डिटरमिनेंट जो होता है वो हमारे पास के सिग्नेचर के बराबर होता है। सिग्नेचर होता क्या है, -1 पावर नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, है ना ये हमारे पास होता है। अब एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपके पास बोलोगे सर यार ये मैट्रिक्स है इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, तो मैं बताना चाह रहा हूं इस मैट्रिक्स को हम लिखेंगे कैसे। पहले बात तो इसको मैं परम्यूटेशन में कैसे लिख सकता हूं, यार 1, 2 पे जा रहा है, 2, 3 पे जा रहा है, राइट, ये हमारे पास ये आएगा। अगर मैं इसका नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन पता करूं तो कैसे करते हैं यार, ये 1, 3 आएगा एंड ये हमारे पास यहाँ पे क्या सुन 1, 2 आएगा, तो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन हमारे पास यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। तो इसका जो डिटरमिनेंट आएगा, है ना, अगर मैं इसकी बात करूँ इसका डिटरमिनेंट आएगा तो आएगा -1 पावर नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, तो यार इस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होगा वो हमारे पास क्या जाएगा, सुन 1 हो जाएगा, राइट। ये ध्यान देने की आवश्यकता है, क्लियर है ना। और भी कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, आईटी पे जाके देखना है आपको। इसमें यहाँ पे एक और चीज बताने की जरूरत है कि जैसे हमारे पास ये जो परम्यूटेशन था इसकी लेंथ हमारे पास कितनी आ रही है, 3 आ रही है, आप देखो 1, 2, 3, है ना। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट और होगा, वो होगा 1 पावर 3 इज इक्वल टू आइडेंटिटी, मतलब ये होगा कि अगर इस मैट्रिक्स को मैं 3 बार, मतलब ये मैट्रिक्स ए है, अगर मैं इसको 3 बार मल्टीप्लाई करूं तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे देगा, राइट, है ना। तो जो के होता है वो ऑर्डर ऑफ सिग्मा होता है और ये हमारे पास सिग्मा होता है, गेटिंग माय पॉइंट। जैसे हमारे पास ये दे रखा है, मान लीजिए, है ना, ये हमारे पास दे रखा है, तो ये मैंने बता रखा है, अगर मान लीजिए थोड़ी सी मैट्रिक्स चेंज हो रही है, राइट, जैसे मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए हमारे पास मैट्रिक्स ऐसी आ रही है, यहाँ पे 1 आ रहा है 0 आ रहा है 0 आ रहा है 0 आ रहा है 1 आ रहा है एंड 0 1 0, मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स आ रही है, राइट। आपको ये पता लगाना कि सर यहाँ पे इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, यहाँ पे इसका किस पावर पर करने पर आइडेंटिटी आएगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको परम्यूटेशन में चेंज करेंगे। अब देखो कौन सा नंबर का एलिमेंट है, 1, 1 है, तो ये 1, 1 आ जाएगा। इसमें कौन सा नंबर का एलिमेंट है जो नॉन जीरो है, ये 2, 3 है, तो यार ये 2, 3 आ जाएगा। इसमें कौन सा नंबर का एलिमेंट है, 3, 2 नंबर का एलिमेंट है, राइट, तो यार ये 3, 2 आ जाएगा, राइट। इसको लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, इसमें 2, 3 आ जाएगा, राइट, है ना। अब हम जानते हैं इसका डिटरमिनेंट क्या होता है, -1 पावर नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, तो भाई साहब ट्रांसपोजिशन तो एक ही आ रहा है, तो यार इसका जो डिटरमिनेंट आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, सुन -1 पावर 1 दैट इज इक्वल टू -1। अगर आपसे पूछे कितनी पावर करने पर हमारे पास ये आइडेंटिटी दे देगा, तो इसकी लेंथ कितनी आ रही है, 2 आ रही है, तो यार ये ए स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे इसकी लेंथ 3 आ रही थी, है ना, इसलिए ए क्यूब हमारे पास आइडेंटिटी आ रहा था, राइट। ये आपको समझने की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं, सुन ये जो टाइप की मैट्रिक्स होती है हमेशा डायगोनलाइजेबल और रियल फील्ड होती है ना, इफ एंड ओनली इफ अगर हमारे पास जो परम्यूटेशन दे रखा उसका ऑर्डर 1 या 2 आ रहा है ना। अगर इससे ज्यादा ऑर्डर आएगा
तो फिर वो हमारे पास रियल फील्ड पे डायगोनलाइजेबल नहीं होती है, है ना। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए मैंने आपके सामने यहाँ पे ये एग्जांपल जो मैंने अभी लिया वही ले लेते हैं, ये आ रहा है यहाँ पे एंड 001 एंड 100। मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखी है, राइट। इस मैट्रिक्स को लेता हूँ तो यार ये हमारे पास पहले तो उसका परम्यूटेशन बना लेते हैं, क्या है यार भाई साहब, ये हमारे पास 1 2 है यार, ये हमारे पास क्या है 2 3 है, और ये हमारे पास क्या आ रहा है 3 1 आ रहा है, राइट। इसको सॉल्व करेंगे तो यार ये आएगा 1 2 एंड 3 आ जाएगा, क्लियर है। अब हम जानते हैं कि ये हमारे पास 1 2 3 आ रहा है, इसका जो लेंथ आ रहा है वो 3 आ रहा है ना, और 3 लेंथ आ रहा है तो यार ये डायगोनलाइजेबल ओवर आर नहीं होगी, गेटिंग माय पॉइंट, ये डायगोनलाइजेबल ओवर सी हो जाएगी। अब आप बोलोगे सर कैसे, तो इसका एक और कंसेप्ट होता है, वो होता है इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल का, कि जब भी हमारे पास कोई भी परम्यूटेशन मैट्रिक्स होती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल कैसे निकालते हैं, तो इसका फॉर्मूला ये होता है। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास मैट्रिक्स दे रही है और आपसे पूछे कि इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल क्या होगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जितना हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर आ रहा है वो यहाँ पे एक्स की पावर में चला जाएगा, तो एक्स क्यूब माइनस 1 ये हमारे पास क्या आएगी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल आ जाएगी। और जब इसकी आइगन वैल्यूज निकालेंगे तो इसकी आइगन वैल्यू हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाती है, और डिस्टिंक्ट हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आते हैं आइगन वैल्यूज, तो वो हमेशा डायगोनलाइजेबल ओवर सी हो जाता है ना, डायगोनलाइजेबल ओवर आर नहीं होगा। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि सर रियल पे कब होगा, तो एग्जांपल ले लेते हैं वापस, है ना, 10 एंड ये लिया 010 एंड 010। मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, राइट। अगर इस मैट्रिक्स का मैं परम्यूटेशन बनाता हूं तो क्या आएगा भाई साहब, अभी बताते मैंने 1 1 है ना, ये आएगा हमारे पास 2 3 और ये आएगा हमारे पास 3 2, राइट। जब इसको निकालोगे तो यार ये आएगा हमारे पास 2 3 है ना, इसका जो ऑर्डर आ रहा है वो 2 आ रहा है, और जब भी ऑर्डर 2 या 1 आता है तो ये डायगोनलाइजेबल ओवर आर हो जाती है ना। अब आप बोलोगे सर कैसे, तो इसकी हम कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल निकाल लेते हैं, तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल निकालते हो तो एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि यार इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल क्या होगी, इसमें 2 3 है तो 1 यहाँ पे सेल्फ इमेज हो रहा है ना, 1 खुद पे जा रहा है, तो इसको हम ऐसा लिखते हैं, राइट। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल निकाल लें, तो इसमें इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल होती है वो हमारे पास क्या होती है, इसमें सी एक्स क्या होगा, यहाँ पे इसका जो ऑर्डर आ रहा है 1 आ रहा, तो ये आएगा एक्स माइनस 1, और यहाँ पे इसका जो ऑर्डर आ रहा है वो 2 आ रहा, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1। सुन, ये हमारे पास इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल होगी। जब इसकी आइगन वैल्यू निकालेंगे तो एक तो x इज इक्वल 1 आएगा, और यहां से हमारे पास क्या आएगा, सुन प्लस माइनस 1, तो तीनों हमारे पास रियल आइगन वैल्यू हो रही, और यहां पे 1 एंड प्लस 1 प्लस 1 दो बार आ रहा, और माइनस 1 आ रहा, पर जब प्लस 1 के कॉरस्पॉन्डिंग हम यहां पे am gm देखेंगे तो बराबर आएगा, मतलब ये डायगोनलाइजेबल ओवर r हो जाएगा, राइट। ये ध्यान देने की आवश्यकता है। इसमें जो भी हमारे पास दो परम्यूटेशन मैट्रिक्स है उसका प्रोडक्ट भी हमेशा क्या होता है, परम्यूटेशन मैट्रिक्स होता है। इसमें एक कंसेप्ट और है कि जब भी हमारे पास कोई भी परम्यूटेशन मैट्रिक्स होती है वो हमेशा क्या होती है, ऑर्थोगोनल होती है ना, वो हमेशा ऑर्थोगोनल होगी, मतलब ए ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होता है, आइडेंटिटी होता है ना। जब भी आपको देखे आपको तो यार ये प्रॉपर्टी हमेशा क्या होती है, सेटिस्फाई होती है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ए ट्रांसपोज हमेशा उसके ए इनवर्स के बराबर होता है ना। इसमें अगर हमारे पास कोई भी परम्यूटेशन मैट्रिक्स दे रखी और आपको उसका इनवर्स पूछ ले तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप उसका ट्रांसपोज निकाल दो। एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास ये कोई मैट्रिक्स दे रखी, राइट, परम्यूटेशन मैट्रिक्स दे रखी 0 1 0 है ना, 0 0 1 एंड 1 0 0। कोई आपसे पूछे कि यार सर ये आपके पास कोई परम्यूटेशन मैट्रिक्स है, भाई साहब आपसे पूछे कि इसका इनवर्स क्या होगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इसका जो इनवर्स होगा वो कुछ नहीं होगा, इसका ट्रांसपोज हो जाएगा, राइट। तो 0 0 1 आ जाएगा, 1 0 0 आ जाएगा एंड 0 1 0 आ जाएगा, राइट। ये इसका इनवर्स होगा, मतलब आपने इसका ट्रांसपोज निकाल दिया, राइट। तो ये कंसेप्ट है जो कि आपको ध्यान होना चाहिए, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, सुजन कुछ क्वेश्चन करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइगन वैल्यूज ऑफ दिस, आपसे पूछा रहा है कि इसमें से कौन कौन सी इसकी आइगन वैल्यू होगी, तो टेंशन लेने की जरूरत है, पहले इसका हम परम्यूटेशन लिख लेंगे, राइट। यार ये कौन सा नंबर का एलिमेंट है, ये हमारे पास 14 नंबर का एलिमेंट है, तो 1 4 हो जाएगा, याद है ना, 11 12 13 14 21 22 23 24 31 32 33 34 है ना, 41 42 43 44 51 52 53 54 एंड 61 62, ये आप याद रखें ना। इसमें ये हमारे पास कौन सा नंबर का एलिमेंट होगा, इसमें ये 25 होगा, तो ये 25 हो जाएगा। इसमें ये कौन सा होता है, हमारे पास 36 आ जाएगा। इसमें ये हमारे पास कौन सा होता है, 41 होता है। इसमें ये कौन सा होता है, 52 होता है, राइट। और ये हमारे पास कौन सा होगा, हमारे पास 63 हो जाएगा, राइट। इसकी मैट्रिक्स बना दो यार, हाँ पहले परम्यूटेशन लिख लो इसका, तो ये आएगा हमारे पास 1 4, देखो 1 4 पे जा रहा, 4 1 पे जा रहा, राइट। ये देखो आप, है ना, इसमें नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास 2 5, देखो 2 5 पे जा रहा, 5 2 पे जा रहा, एंड ये आ जाएगा हमारे पास 3 6, राइट। अगर अब ये हमारे पास आ गया, अब आपको इसकी आइगन वैल्यूज निकालते हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल निकालते हैं। कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल क्या होगा, इसमें इसके ऑर्डर 2 है तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका भी ऑर्डर 2 है तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका ऑर्डर भी 2 है तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, 2 2 2 2, राइट। इसको 0 रखेंगे तो प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 1 इसकी आइगन वैल्यू आएगी ना, तो इसकी आइगन वैल्यू आएगी 1 1 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, राइट। तो 1 एंड माइनस 1 3 दोनों ही इसकी क्या आएगी, आइगन वैल्यू आएगी, राइट। तो ये आपको समझने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें ये हमारे पास दे रखा है ना, आपसे पूछ रहा है कि इनमें कौन सा सत्य होगा, तो आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले इसको हम बना लेते हैं, परम्यूटेशन फॉर्म में इसको बनाते हैं। इसमें 1 3 पे जा रहा है ना, 1 3 पे जा रहा है, 3 2 पे जा रहा है ना, एंड 2 वापस 1 पे जा रहा है, एंड ये आ जाएगा हमारे पास
4-5 क्लियर है, ये हमारे पास आएगा क्लियर है। अब आपसे पूछा रहेगा इसमें से कौन कौन सा सत्य है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सुनिए यहाँ पे, जब भी हमारे पास मैट्रिक्स दे रखी है तो इसका हम ऑर्डर निकाल लेते हैं ना, तो ऑर्डर ऑफ दिस सिग्मा, सुन दिस इज द सिग्मा एंड ऑर्डर ऑफ सिग्मा है ना, तो ऑर्डर ऑफ सिग्मा कैसे निकालते हैं, सुन जब भी हमारे पास दो अलग अलग आ रहा है, डिसजॉइंट आ रहा है, तो इसका एलसीएम लेते हैं, तो इसकी लेंथ 2-3 आ रही है, इसकी लेंथ 2 आ रही है, तो यार ये 6 आ जाएगा, तो सुन यहाँ पे एक तो होगा ए पावर 6 इज इक्वल टू आइडेंटिटी होगा राइट, ए पावर 6 इज इक्वल टू आइडेंटिटी आ रहा है, इसमें इसको ए पावर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो अगर मैं ए पावर 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये ए पावर 6 इज इक्वल टू आइडेंटिटी होगा, तो यार एक ऑप्शन तो ये करेक्ट हो जाएगा। अब आपसे पूछा रहेगा इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा, तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, सुन यहाँ पे -1 पावर नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन राइट, यहाँ पे क्या होता है सुन डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, या इसको बोलते हैं ये, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है सुन -1 पावर नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, तो यार हम जानते हैं नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन कैसे निकालेंगे, जैसे मैं आपसे बोलूं कि 1, 3, 2 और ये दे रखा 4, 5, आपको इसका ट्रांसपोजिशन निकालना है, तो यार ये 1, 2 इसको ब्रेक करेंगे तो 1, 2 आएगा एंड 1, 3 आएगा एंड 4, 5 आएगा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन 3 आ रहा है ना, 2 लेंथ के साइकिल में कितने तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं, 3 आएगा, तो यार इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो -1 आएगा, तो यार ये हमारे पास सॉरी गलत हो जाएगा और ये हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, और ये तो वैसे भी इनकरेक्ट हो रहा है, तो सुन यहाँ पे हमारे पास सी एंड डी ऑप्शन क्या जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से स्टूडेंट ही वाला क्वेश्चन को करते हैं, हमारे पास ये बोल रहा है कि हमारे पास कोई एक 5x5 की मैट्रिक्स है जहां पर एंट्री 0 और 1 आ रहा है, इसकी रो सम की वैल्यू 1 आ रही है, कॉलम सम की वैल्यू भी क्या आ रही है 1 आ रही है, तो ऐसी मैट्रिक्स हमेशा परम्यूटेशन मैट्रिक्स होती है, और 5x5 की तो 5 factorial हमारे पास मैट्रिक्स हो सकती है, जो मैंने पहला पॉइंट बताया था, तो यार सी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, करेक्ट आ जाएगा क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमारे पास ये मैट्रिक्स दे रखिए, सो सर सबसे पहले देखेंगे ये मैट्रिक्स हमारे पास किस परम्यूटेशन में कन्वर्ट होगी, तो यार आप देखिए ये सुन ये कौन सा नंबर का एलिमेंट है 1, 2 है, इस सुन ये नंबर कौन सा नंबर का एलिमेंट है 2, 3 है ना, इस सुन ये हमारे पास कौन सा नंबर का एलिमेंट है 3, 4 है, इस सुन ये कौन सा नंबर का एलिमेंट है 4, 1 है ना 40, 1 है क्लियर, ये ध्यान देने की जरूरत है। अभी सुन थोड़ा सा इसको इज्जत दे दीजिए है ना, 1, 2 पे जा रहा है ना, 2, 3 पे जा रहा है, 3, 4 पे जा रहा है एंड 4, तो सुन इसकी जो लेंथ आ रही है वो हमारे पास 4 आ रही है, तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल होगी वो हमारे पास उसकी लेंथ के पावर के मतलब लेंथ जो होगी उसकी पावर में ले लेंगे हम है ना, तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल हो जाएगी है ना, तो यार ये तो हमारे पास आ गया सही है ना। अब आपसे पूछा जा रहा कि ए इज डायगोनलाइजेबल हो रहा, नहीं, क्योंकि इसकी जो ऑर्डर आ रहा है वो 4 से मतलब एक्चुअली ऑर्डर 4 आ रहा है जो कि 2 से बड़ा है ना, या तो ऑर्डर 1 आना चाहिए या 2 आना चाहिए, अगर इससे बड़ा आता है तो वो हमेशा डायगोनलाइजेबल ओवर सी हो जाती है राइट, तो यार इनकरेक्ट हो जाएगा। अब आपको इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आपको इसके ट्रांसपोजिशन में लेना पड़ेगा, तो सुन कैसे लिखेंगे इसको 1, 4 आएगा, फिर हम क्या लिखेंगे सुन 1, 3 आएगा एंड 1, 2 आएगा राइट, तो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन हमारे पास क्या आएगा सुन डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज -1 पावर 3 दैट इज इक्वल टू -1, तो यार ये करेक्ट हो जाएगा, ये हमारे पास क्या जाएगा इनकरेक्ट होगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को बहुत इजीली हम यहाँ पे कर सकते हैं। सुन ये जो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है यार, ये हमारे पास परम्यूटेशन दे रखा है, सुन प्लीज करेक्ट इट, दिस इज परम्यूटेशन है ना, आपको इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है एंड देन आपको पता लगाना है कि यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो यार इसका आंसर आपको लिखना है और इसको सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ऐसी और भी एमएसक्यू की सीरीज के लिए जो वीडियोस हैं आप यहाँ जाके देख सकते हैं। इसमें मैंने नया चैनल बनाया जहाँ पर मैं काफी सारी शॉर्ट ट्रिक अपलोड कर रहा हूँ, वो भी आप यहाँ जाके देख सकते हैं, यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहाँ जाके आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग मी, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद।